देखिए दोस्तों, हम लोग इधर से आए हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग आसमान में चढ़ने वाले हैं। ये कमंडल है। क्या कमंडल? कमंडल। ये देखिए मेन रोड कितना नीचे। इधर मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर भी, इधर भी। जो बुक करता है लेके चढ़ना, फिर उनको लेके उतरना। कितना रुपए लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं पारसनाथ हिल दोस्तों, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। झारखंड बिहार, झारखंड बिहार दोनों। अच्छा। पेट्रोल डलवाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं अभी। यहाँ से पारसनाथ हिल जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ जाने वाले हम लोग। ऊपर मंदिर भी है। पहुंच गए हम लोग पारसनाथ। ऊपर ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं दोस्तों, रेंट पे लेके भी जा सकते हैं बाइक, अपनी गाड़ी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शायद अभी मना किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर कौन सा कितना किलोमीटर में क्या है, देखते हैं हम लोग बात करके बाइक ऊपर चढ़ाने देते हैं या नहीं। यहाँ पर दोस्तों हर थोड़े थोड़े दूर में मंदिर हैं अलग अलग। यहाँ पर जैन धर्म वाले मंदिर ज़्यादा हैं। अगर ऊपर मंदिर तक आपको पैदल जाना है तो इधर से जाते हैं, और बाइक अगर आप लेके जाते हैं तो इधर इधर से। ये पारसनाथ हिल की ऊंचाई 1350 मीटर है दोस्तों, लेकिन जाना आना घूमना फिरना टोटल मिला के लगभग 27-30 किलोमीटर पड़ता है। मैंने नेट पे देखा था 1350 मीटर हाइट, लेकिन वो सीधी ऊंचाई का माप बताया गया होगा शायद उसमें। हम लोग बाइक से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, 10 किलोमीटर लगभग ऊपर हम लोगों को जाना है बाइक से। इधर से लोग ट्रैकिंग करके आ रहे हैं। लगभग बराबर हाइट पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, और काफ़ी ऊपर जाना है अभी। किधर जा रहा हूँ लग रहा है मुझे तो यार, बस चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ बाइक वाले हैं, एक बाइक वाले पीछे हैं, और तीन चार बाइक वाले ये पहुंच गए। हम लोग इसलिए रुके थे कि साथ में जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा यार। चलने में भाई अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया? फोटो खींचना है। सीन मस्त है। ऊपर और अच्छा अच्छा मिलेगा। आप कहाँ से हैं दादा? हम तो हैं धनबाद से। अच्छा, आप भी पहली बार आ रहे हैं क्या? हम भी पहली बार आए। अरे आप तो पास के हैं, फिर भी पहली बार आ रहे हैं। धनबाद कहाँ पे? हीरापुर से, बोकारो से। ये भाई लोग पुरुलिया से हैं। फोर व्हीलर भी आती है मतलब इधर? कैसे लेके आए होंगे? लेकिन एकदम सिंगल रास्ता था सिर्फ बाइक के लिए। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, वहां जाना है अपन को। इधर से ट्रैकिंग वाले लोग आएंगे, बाइक यहीं कहीं पार्क करना होगा हम लोगों को। इसके बाद और ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन पैदल पैदल जाना पड़ेगा। यहां से शायद सीढ़ी बना हुआ है। यहां पर एक दुकान है, कुछ ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, चौक हम ले लेते हैं। खाली खाना आपको नहीं खाना? मेरे को नहीं खाना। हाँ, मेरे को दीजिए ना, बिस्लरी वाला दीजिए। हाँ, कितने का है? 20 रुपये। अभी हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलो हम लोग देखाते हैं भैया, हम लोग अभी ले लीजिए ब्लॉग में। हाँ भैया। ये पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, 9 किलोमीटर पैदल पैदल।
नीचे से यहाँ ऊपर तक अगर आप ट्रैकिंग करके आते हैं तो 9 किलोमीटर दूरी पड़ता है, और बाइक से आते हैं तो 17 किलोमीटर। मैं शुरू में 10 किलोमीटर बताया था। चार लोग बेचारे ढो के नीचे तक जाएंगे, ऊपर बहुत मेहनत से ढो के आए होंगे। पर्वत कार्यालय, यहाँ पर काफी बंदर हैं दोस्तों, खतरा है कि वो छीन के ना ले जाए हमारा मोबाइल। ऐसा लग रहा है हम लोग आसमान में चढ़ने वाले हैं। चढ़ जा ऊपर तो जा ही रहे हैं। वाह यार, देखिए हर तरफ कुछ न कुछ है। इधर भी एक घर दिख रहा है, इधर मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर भी, इधर भी, हर तरफ यहाँ पर मंदिर ही मंदिर। गौतम गढ़धर्व चोपड़ा कुंड जाने का रास्ता इधर से उधर की तरफ। हम लोग जा रहे हैं इधर मेन मंदिर की तरफ। इतने हाइट पे मकान बना हुआ है, इतने सारे मंदिर हैं, इतना अच्छा रास्ता, सीढ़ी, काफी मेहनत लगा होगा ये सब बनाने में। सीमेंट छड़ ये सब लेके आओ इतना ऊपर। देखिए इधर का सीन, यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट जैसा लगा हुआ है। खाने पीने के सामान, पानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूजा सामग्री भी यहाँ पे है। यहाँ पर आपको केला 10 रुपये पीस मिलेगा, और 50 रुपये का आधा दर्जन, मतलब 6 पीस। अब इतने हाइट पे है, काफ़ी मेहनत से सामान लेके चढ़ाना पड़ता है, तो महंगाई तो यहाँ होगा ही थोड़ा ज़्यादा। अरे चलो भाई, बस भाई पहुँचने वाले हैं। भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, यहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर भी है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। डोली, कुर्सी डोली। अच्छा, नहीं तो आपको कस्टमर यहाँ से लेना होता है कि नीचे से? नीचे से, नीचे से। जो बुक करता है लेके चढ़ना, फिर उनको लेके उतरना। कितना रुपए लगता है? 5200। अच्छा, पूरा टोक दिखाने का। आप लोग भी डोली का सफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं यार, तो ट्रैकिंग करके आओ या बाइक में ही आ जाओ भाई। बल्कि आप इनको कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे भी तो दे सकते हो, इनको काहे इतना मेहनत कराना जो अगर आप जवान हैं। दिन में आप लोग कितना फेरी लगा लेते हैं? मतलब एक ही दिन होगा, एक दिन में एक किसी को 12 घंटा मेरे को लगेगा, ये 12 से 13 घंटा। 4 आदमी आप इसको ढोके चढ़ेंगे उतरेंगे, है ना? 31 मंदिर है सिर्फ इसी टाइप का। 31। अच्छा, 31 में सिर्फ ऐसी देखने का ही है, बाकी वहाँ पे एक जल मंदिर में है, जल मंदिर बोला जाता है 4 साइड। 31 का पूरा टूर कराते हैं अपने। अरे यार, तो आप तो एक दिन पूरा लग जाता होगा? नहीं, 12 घंटा लगता है। 12 घंटा मतलब वही तो। हम लोग आज निकले हैं 2 बजे। 2 बजे सुबह में ऊपर जा रहे हैं अभी हम लोग मंदिर की ओर। मैं पहुंचने वाला हूं एकदम टॉप पे, चोटी पे। मंदिर में नारियल व चावल चढ़ाएं। ये पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण भूमि है, यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान निर्वाण प्राप्त किए हैं, वही जगह है जी को दर्शन करने आते। अच्छा, और यहाँ पर इसके अलावा 30 अलग हैं, ये मेन मंदिर है? नहीं, यहाँ 20 तीर्थंकर का निर्वाण है, 19 और अलग है। मतलब वो एक बता रहे थे टोटल 31 है? हाँ 31 है, लेकिन 20 तीर्थंकर का निर्वाण भूमि है। अच्छा, बाकी सब टोक और बना हुआ है दर्शन के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। वाव यार, जैसे रहना।
यहाँ पर बहुत मजा है, एक दिखाना होगा यहाँ पास में। ये देखिए मेन रोड कितना नीचे। देखिए दोस्तों हम लोग इधर से आए हैं, ये कच्चा रास्ता जो दिख रहा है इधर से होके हम लोग ऊपर चढ़े हैं और यहाँ तक आए हैं जहाँ बाइक दिख रहे हैं आप लोगों को काफ़ी सारे। ये हम लोग पार्क करके आए हैं अपनी बाइक और पास में एक हेलीपैड भी है। देखो देखो कहीं धूप लग रहा है, छाँव है, वहाँ सिटी सिटी वाला जो एरिया है ना वहीं पर। यहाँ पारसनाथ मेन मंदिर से हम लोग अभी जा रहे हैं। यार मैंने शूज कहाँ खोला था, यही तो खोला हूँ। जा रहे हैं हम नीचे की ओर। मुझे घाट चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, थकावट नहीं होता जितना कि नीचे उतरने में होता है। वह पपीता दीजिए ना, कितना प्लेट, कितने रुपए प्लेट लेते हैं? 30 रुपए। दे दीजिए एक प्लेट। ये एक मिक्स फ्रूट खा लेते हैं, मिक्स फ्रूट का भी 30 रुपीज़ यहाँ पे प्लेट है। अभी हम लोग जाएंगे सीधे वापस बोकारो थर्मल। कमंडल है क्या? कमंडल, कमंडल। अच्छा इसमें कुछ नहीं, पानी रहता है। अच्छा अरुण धोते हैं उनके फूल। अच्छा अच्छा ठीक है। महाराज जी के बाद तो आप यहाँ पर जितने हैं 20, 21, 31 जो भी हैं पूरे पूरे में गए थे आप? मैं पूरी वंदना करी है। आ, पहले भी आए हैं आप? हाँ, मैं कितनी बार आ चुकी हुई है। अच्छा हम इंदौर से। इंदौर? अच्छा इंदौर से आए हैं आप? कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। शाश्वत तीर्थ है शिखर, यहाँ पर हर कोई आता है वंदना करता है। पूरे भारत में मुख्य मंदिर है, मतलब जैन धर्म का ये पार्श्वनाथ का बड़ा तीर्थ अपन जैसे बोलते हैं ना, जैसे तुम्हारे लोगों के रहता है, कौन से रहते हैं जिस मतलब झोटी जमा तिरुपति ये सब बड़ा मंदिर ये है। अच्छा चाय पी लेते हैं, चलो जा रहे अभी हम लोग नीचे वापस। यस अब चले नीचे, एकदम मजे में है। शाम हो गई, नीचे उतरते उतरते रात हो जाएगी। ये जो पारसनाथ तीर्थ स्थल है दोस्तों ये झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है। देखिए वहाँ गए थे हम लोग गए इधर से थे, अभी आए इधर से। डुमरी में यहाँ रुके हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हम लोगों को यहाँ से राइट लेना है इधर, और इधर से हम लोग आए हैं। डोभी 134 किलोमीटर, एक डोभी हिमाचल में भी है। अरे बाबा, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पर मैं एंड करने वाला हूँ, अभी पहुँच गए हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।